अर्थशास्त्र, बजट पे पहले भी बात हुई है माननीय वित्त मंत्री साहिबा से, अर्थशास्त्र का सामाजिक पहलू या दायित्व है या नहीं है, ये प्रश्न मैं सदन के लिए छोड़ता हूं। क्योंकि अर्थशास्त्र अगर आसमान में टंगी ख्वाहिशों को जमीन के लोग नहीं देख पाए तो बड़ा मुश्किल होगा सर। अब एक मुझे चीज समझ में नहीं आती है कि ये कौन महापुरुष लोग थे जिन्होंने डबल इंजन शब्द का आविष्कार किया। सर अगर ये इतनी इतनी डिजायरेबल चीज होती ना तो संविधान सभा की बैठकों में भी डबल इंजन की बात हुआ करती कि हाँ साहब पूरे देश में डबल इंजन होना चाहिए। कांग्रेस की ह्यूज मेजोरिटी थी, कभी डबल इंजन की पैरोकार नहीं बनी। लेकिन आजकल डबल इंजन चलता है, जहां डबल का एक इंजन बदल गया वो ट्रबल इंजन बनाने की कोशिश होती है। ये चिंता का विषय सिर्फ इस पक्ष को नहीं, इस पक्ष को नहीं है। अभी बहुत इंटरेस्टिंग चीजें कहूंगा, तंज भी करूंगा तो प्यार से। सर एयरपोर्ट से आते वक्त परसों इंदौर से मैंने देखा मदर ऑफ डेमोक्रेसी होस्ट G20, बहुत अच्छा लगा, ये सबके लिए गर्व का क्षण है। लेकिन सर ये माँ बीमार चल रही है, ये माँ हमारी बीमार चल रही है, दुखी भी चल रही है, और उसके दुखी होने का कारण है कि इस माँ के लिए जिसके बच्चे किसान भी है और सरहद पे खड़ा जवान भी है, ना वो महफूज है, ना किसान महफूज है, ना देश का श्रमिक महफूज है, ना युवा महफूज है। तो माँ तभी प्रसन्न होगी ना सर जब बच्चे प्रसन्न रहे। ऐसा तो नहीं होगा ना कि बच्चे ना खुश हैं, बच्चे परेशान हाल है और माँ खुश है। सर मैम फाइनेंस मिनिस्टर कार चलाती होंगी या कार में बैठती होंगी, सर कार में एक रियर व्यू मिरर होता है जिसमें अक्सर ये लिखा रहता है ऑब्जेक्ट्स इन द मिरर आर क्लोजर देन दे अपीयर। तो मैं अपनी 3-4-5 मिनट में मैं उन ऑब्जेक्ट्स का जो सब्जेक्ट से है उस मिरर पे मैं कहूंगा कि मैं माननीय वित्त मंत्री साहिबा को आपके माध्यम से रियर व्यू मिरर में जो वो कुछ चीजें नहीं देख पा रही हैं या उन्हें देखने नहीं दिया जा रहा है उस पर मैं सदन का ध्यान आकृष्ट करूं। सर गरीबी का आंकड़ा 2011 से हमारे पास नहीं है, गुर्बत है कि बढ़ती जा रही है, गरीबी बढ़ती जा रही है हर क्षेत्र में, हर राज्य में। आप देखेंगे सर, घड़ी मत देखिए, हाथ जोड़ रहा, आप घड़ी देखते हैं मेरी बूढ़ी घड़ी आनी शुरू हो जाती है। सर मैं ये कह रहा हूं कि गरीबी को लेकर के कल भी एक सदस्य, सीनियर सदस्य हैं, यहां भले सीनियर ना हो बिहार के बहुत सीनियर हैं, उन्होंने जब गरीबी से ऊपर उठाने की बात कही तो सारे वो आंकड़े दिए जो 2005-06 वाले थे। खैर बहरहाल मैं छोड़ता हूं उस बात को। सर कॉरपोरेट को रियायत से मुझे कोई विभेद नहीं है, हमारे कई साथियों ने उस पर तंज किया, व्यंग किया, लांछन लगाए, मैं वैसा कुछ नहीं करूंगा। मेरा मानना है कि अगर जिंदगी आंसुओं में सरोबोर ना हो तो वित्त मंत्री कॉरपोरेट की उतनी ही चिंता करें जितनी आम आदमी की होनी चाहिए। आम आदमी से मेरा ताल्लुक आम आदमी पार्टी से नहीं है, आजकल बड़ा मुश्किल हो गया आम आदमी बोलो तो लोग पार्टी समझ जाते हैं, दोनों में बड़ा फर्क है सर। एनीवे सर न्यूनतम मजदूरी, आपने इतनी रियायतें दी लाखों की, मुझे कोई परेशानी नहीं, लेकिन न्यूनतम मजदूरी 178 रुपए पे टिकी हुई है सर, $2 या $2.25, क्या ये उचित है इस देश में? क्या ये उचित है? मैं आपके और सदन के विजडम पे छोड़ता हूं। महंगाई के आंकड़े की जब बात होती है, तेरे वाले में ऐसा था, मेरे वाले में ऐसा था, सर ये नहीं होना चाहिए। महंगाई की चर्चा तेरा मेरा के डिबेट में ना हो, महंगाई की चर्चा हो कि गरीब की थाली में महंगाई का असर क्या है, रोटियां कितनी कम हो रही है, सब्जी कौन सी गायब हो रही है, दाल कितनी पतली हो रही है, ये होती है महंगाई की बात। ये नहीं होती है कि तुम्हारे टाइम में इन्फ्लेशन इतना था, अरे साहब थाली में इन्फ्लेशन ऐसे नहीं पड़ोसा जाता, 7.5, 4.6 थाली में रोटियां जाती हैं, उसके नजरिए से इन्फ्लेशन को देखना होगा। अब आइए सर किसान की बात करें, किसान आंदोलन हुआ, आप खुद उस पृष्ठभूमि से आते हैं, मैं तो साफ तौर पे कहूं सर किसान की चर्चा गाहे बगाहे सिर्फ इसलिए होती है कि देश को यह एहसास रहे कि अभी भी ये मूलतः कृषि प्रधान देश है, अन्यथा कृषक किसान जिस देश में कल कई लोगों ने आत्महत्या के आंकड़े दिए, वैसे बहुत अंक देखने से, क्योंकि ये सरकार आंकड़ा प्रबंधन में माहिर है सर, जो वाला आंकड़ा पसंद आता है वो ले लेती है, बाकी कहती है तो गलत है, ये तो हमें बदनाम करने की साजिश है। मैं उसमें नहीं जाना चाहता, मैं मानता हूं कि आप आंकड़ा प्रबंधन में MBA का कोर्स शुरू कर सकते हैं। मैं सर इतना कहना चाहूंगा कि हर 2 घंटे किसान आत्महत्या करता है सर,
अब आइए सर बेरोजगारी की बात करें, बहुत फिर भी मैं कहूंगा अगर आज के दिन मैं वित्त मंत्री जी या माननीय सभापति महोदय आप अगर हम 20-22 की उम्र में होते बेरोजगार होते हमारी चिंता क्या होती सर? रोजगार ना, नौकरी ना, लंबी चौड़ी मस्जिद मंदिर सर, ये रोजगार का पर्याय नहीं हो सकता, ये रोजगार का कतई पर्याय नहीं हो सकता है। मेरी आस्था मेरा धर्म है, लेकिन मेरी जिंदगी चलेगी रोजी रोटी से, उसके लिए क्या व्यवस्था की है? और मैं तो जानबूझ के सर वो 2 करोड़ वाले में जाना ही नहीं चाहता, मैं भुला दे रहा हूं, बिसरा दे रहा हूं, क्योंकि वो दर्द देता है। मैं तो ये देखना चाहता हूं माननीय सभापति महोदय कि रोजगार को लेकर आपका ब्लूप्रिंट क्या है। मुझे बेहद अच्छा लगा बिहार से जो हवा चली उसके बाद यहां भी नौकरियों के पत्र बंटने लगे, लेकिन सर उसकी निरंतरता बढ़नी चाहिए। युवा राष्ट्र को रोजगार चाहिए सर, व्हाट्सएप पर फेक इंफॉर्मेशन नहीं चाहिए। सो रियर व्यू मिरर में ये 3-4 चीजें मैंने दिखाई, और मैं अब आपको आता हूं मनरेगा को लेकर के। मेरी साथी बहुत बोल चुकी है, मैं नहीं बोलना चाहता। मनरेगा ने आपके लिए सेफ्टी नेट का काम किया है, आपके पास यू हैड नो सेफ्टी नेट, यू यूज्ड मनरेगा एज अ सेफ्टी नेट, सो ब्रॉडन द होराइजन ऑफ द सेफ्टी नेट। उसमें मजदूरी न्यूनतम सुप्रीम कोर्ट का आ गया है उससे बढ़ाइए, शहरी इलाकों में भी वो एम्प्लॉयमेंट देने की कोशिश करिए, ताकि मनरेगा अगर सेफ्टी नेट है तो आप उसका भरपूर फायदा उठाइए। मैं ये कहना चाहता हूं सब नाम की कमी नहीं है, प्रधानमंत्री फलाना योजना, प्रधानमंत्री चिलाना योजना, प्रधानमंत्री धमकाना योजना, लेकिन राज्यों पे बोझ बढ़ता जा रहा है सर, उसकी चिंता होनी चाहिए। बिहार के स्पेशल स्टेटस के लिए कई दफा बात हुई है सर, आप आधा मिनट दे दीजिए, 30 सेकंड सर। वन नेशन वन स्पेशल स्टेटस की मांग हम ही ने नहीं की है, सबने मिलकर कई दफा की है। खैर एनीवे सर, स्टैंडिंग कमिटी की रिपोर्ट है मैम, जिसमें कहा गया है कि वन नेशन वन टैरिफ होना चाहिए। सबसे महंगी बिजली हम खरीदते हैं, और स्थिति यह है कि हमारे यहाँ जो पेंडिंग इश्यूज है जो आपके समक्ष रख रहा हूं, आप रिजॉल्व कर सकती हैं। नॉन रिसिप्टिव ग्रांट फॉर मैकेनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर, नेशनल सिल्टेशन पॉलिसी इज पेंडिंग, कंस्ट्रक्शन ऑफ हाई डैम इन कोसी रिवर इन नेपाल इज स्टिल पेंडिंग, एंड फाइनली इंक्रीजिंग सीलिंग फॉर नंबर ऑफ बेनिफिशियरीज अंडर प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी नेशनल ओल्ड एज पेंशन स्कीम, एंड आई थिंक दीज आर ट्रबल्सम सर। सो फाइनली with before I say Jai Hind, and thank you to you and to the house for normally listening to me, my position, it's important sir. So I just wish to say that because this is a council of states and these are rare occasions when we can reach out to the honorable minister and convey our feelings, let's hope it gets resolved. Jai Hind sir.